इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। रुकी ही नहीं, ऐसी एक तब्दीली हमारे हमसाए अफगानिस्तान में होने जा रही है। सब जानते हैं कि अमेरिका ने यहाँ से अब चले जाना, खुद अमेरिका को भी पता ही है। और अब इस हवाले से एक हैरान कन दावा सामने आ गया, वो ये कि एक चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी के लिए अमरीका को अपनी फ़जाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अब अखबार ने इस्लामाबाद में मुकीम दो आला ज़राई के हवाले से दावा किया है कि वाशिंगटन हुकाम ने मार्च में उस वक्त शमसी एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी जब इनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी, और अमेरिका ने इस अरसे के दौरान उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से भी अड्डे मांगे थे ताकि 11 सितंबर को अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद भी अफगानिस्तान पर नज़र रखी जा सके। ताहम दोनों मुल्कों ने अमरीका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑब्वियसली वो रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर है। और इसी अखबार के मुताबिक 20 साल पुराने मुआहदे की तजदीद नो के बाद देखा गया है कि अमरीका के जंगी तैयारों ने मई के पहले हफ्ते में कम अज़ कम एक बार अफगान सूबे हिल्मंद में तालिबान पर बमबारी की है, और इस बारे में पाकिस्तान के कई सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर बात भी की है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का तो कहना है कि अमेरिकन फ़जाइया को पाकिस्तान की फ़जाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त एक ऐसे वक्त में दी गई जब अमरीका ने शमसी एयरबेस तक दोबारा रसाई की दरख्वास्त की हुई थी, और यह एयरबेस चाइना के ज़ेर इंतज़ाम ग्वादर की बंदरगाह से 400 किलोमीटर की यानी शुमाल मगरब की जानिब वाक़ है। अब इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा तो वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर चुका है कि पाकिस्तान कोई मजीद या कोई एयरबेसेस अमेरिका को नहीं दे रहा, लेकिन अभी जो चाइनीज़ अखबार में दावा किया जा रहा है इसको भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का 20 साल पहले जो अमरीका से मुआहदा हुआ था इसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, क्योंकि चाइना में मीडिया की सूरत हाल मुख्तलिफ है और ज़्यादातर जो अखबार और चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट करता है वो एक तरह से सरकारी बयान ही कंसिडर किया जाता है। अब एक बार तो इस बारे में तो पाकिस्तानी वजारत खारजा ही बता सकता है बेहतर कि ये जो चाइनीज़ अखबार का दावा है इसमें कितनी हकीकत है। और अब अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का मुकम्मल इनखला जो है होने को है, अब ये एक बार फिर शदीद अदम तवाज़ुन की जद में है। कोई माने या ना माने, हकीकत यह अफगानिस्तान एक बार फिर उसी मकाम पर आ गया जहाँ सोवियत यूनियन की शिकस्त के वक्त था और जब तालिबान तेज़ी से उभर कर इक्तदार पर काबिज हुए थे। आज फिर अफगानिस्तान बम धमाकों से लरज उठा है, हर तरफ लाशें ही लाशें थीं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। और ये धमाके काबुल और जलालाबाद समेत कई शहरों में हुए और मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। आज़ाद ज़राए का तो दावा है कि इन धमाकों में हलाक होने वालों की तरह सिचुएशन क्या है। सर, ऐसा था कि दो मुआहदे साइन करे थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे अमेरिका के साथ, सर, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जी लॉक और ए लॉक। तो कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान जो है अपना एरिया फराम करेगा और वहां से उनके जो भी लॉजिस्टिक्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, उनके फाइटर जेट्स होंगे जो कि ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला अटैक भगवान न करे अगर अमेरिका के सॉइल के ऊपर आता है या नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे आता है, इट विल ओरिजिनेट उनके उनके अपने सर, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी उनका बेस है और मुख्तलिफ जगह यूएई में उनके बेस हैं, तो यहां पे भी उनको एक बेस चाहिए जहां जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अगर अफगानिस्तान का सर कोई समुद्री किनारा होता अफगानिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान का जो भी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो जीरो हो जाता, और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर खेल रहा है। क्या इंडिया को चाहिए रास्ता अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, अमेरिका को चाहिए, वेस्टर्न पास को चाहिए, तो अभी ईरान से तो इनकी बन नहीं रही है तो यहां से पाकिस्तान से जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, चाइना को नहीं चाहिए, देखिए रशिया को नहीं चाहिए, नो, दीज ग्रेट पास डू नॉट रिक्वायर पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। एक बात यह हुई। दूसरी बात ताहिर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि यह अड्डे दे चुका है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और अड्डे इसलिए दे चुका है मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहां पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए।
अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी, यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर। जमीन कैसे दी सर? वो गिलगित बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है। तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंड है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को देखिए, जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीजें जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी, गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं और ये बहुत जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आकर ऑफिशियल तौर पर बोला था कि हमने, पाकिस्तान ने अमेरिका को कोई भी नए अड्डे नहीं दिए हैं, नए अड्डे बोला था। लेकिन अमेरिका की तरफ से उससे पहले ऑफिशियल बयान आया था कि पाकिस्तान हमारे साथ कंटिन्यू वही वाला एग्रीमेंट 2001 में जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे हुआ था वो कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान और अमेरिका का ऑफिशियल बयान दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आप समझ सकते हो, पाकिस्तान एक ऐसा बिन पैंदी का लोटा वाला देश है जो कभी भी पलट जाता है, लेकिन अमेरिका में अगर कोई ऑफिशियल बयान दे तो वो डेफिनेटली 100% सच होता है, क्योंकि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। चाइना के एक न्यूज़ अखबार ने दावा कर दिया है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं और बलूचिस्तान में दिए हैं, और बलूचिस्तान में ही चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो मेन बलूचिस्तान में ही, और बलूचिस्तान में ही गवादर पोर्ट है। तो गाइज, अब अड्डे दिए हैं तो अड्डे के बाद पाकिस्तान में जो आएगा सामान, इक्विपमेंट आएंगे मिलिट्री के, वो भी आएंगे, और वो ज़्यादातर आते हैं सी रूट से आएंगे। तो डेफिनेटली वो गवादर पोर्ट का यूज़ करेंगे या तो फिर कराची पोर्ट का यूज़ करेंगे। गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में अड्डे हैं तो गवादर पोर्ट का होगा। अब चाइना और अमेरिका की दुनिया को पता है क्या रिश्ते हैं, और अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करेगा तो डेफिनेटली बहुत जल्दी चाइना को वो अपना दुश्मन बना लेगा। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को अगर पैसे चाहिए वो भीख में, तो उसका एक ही देश है जो दे सकता है, उसका नाम है अमेरिका। चाइना ऐसे पैसे नहीं देता। चाइना केवल लोन देता है, लोन पर फिर सूद लेता है, जो कि इस्लाम में हराम है। और अगर हमें पैसे देने हैं वापस तो फिर हम फिर चाइना से पैसे लें क्यों? हमें ऐसे जगह से पैसे चाहिए जहां पर हमें पैसे देने ही ना पड़े। तो अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो शिक्षा के नाम पर, पोलियो वैक्सीन के नाम पर, फलाना ठिकाना जवाने के नाम पर ये पैसे देगा। और अभी उसने अपने बजट में पाकिस्तान के नाम पर पैसे करे भी हैं अनाउंस, अफगानिस्तान के नाम पर भी करे हैं। तो गाइस, पाकिस्तान
को भी समझ में नहीं आ रहा कि पैसे देखें या फिर क्या देखें। और वैसे भी आपको भी पता, अगर अमेरिका को अड्डे चाहिए तो चाहिए। अमेरिका एक ऐसा गुंडा है जिसके सामने कोई भी देश कभी भी अभी तक तो नहीं टिकेगा, आज की सिचुएशन में भी नहीं टिकेगा, कोई देश नहीं टिकेगा। अगर अमेरिका को अड्डे चाहिए तो चाहिए, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में जो कि अमेरिका के टुकड़ों पर पलते आ रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली अड्डे अमेरिका ले चुका होगा। अब देखते हैं कितने दिन तक ये लोग छुपाते हैं और कितने दिन बाद ये न्यूज़ बाहर आएगी, क्योंकि मुशर्रफ ने भी छुपाया था बाद में जब अमेरिका वाले भगा भाग मतलब पेले जा रहे थे, ड्रोन स्ट्राइक करे जा रहे थे, तब सामने आकर बोला जी हाँ हमने उनको परमिशन दी थी। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।